और इब्राहिम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ऐ परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सआदतमंदों में से हो। तो हमने उनको एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़बह कर रहा हूं, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बिला शुबा ये खुली आजमाइश थी। और हमने कुर्बानी के एक बड़े जानवर से उनका यानी इस्माइल का फिदिया दिया, और पीछे आने वालों में हमने इब्राहिम का जिक्र खैर बाकी रखा कि इब्राहिम पर सलाम हो, नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और हमने उनको इसहाक की बिशारत भी दी कि वो नबी और नेकुकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक पर बरकतें नाजिल की थीं, और उन दोनों की औलाद में से नेकुकार भी हैं और अपने आप पर सरासर जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी हैं।